कैपेसिटेंस ऑफ टू कोसेंट्रिक कंडक्टर स्फीयर. देखिए हम अब दो कोसेंट्रिक स्फीयर लेंगे. ए स्फीयर जो होगा, जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, उसमें दो कोसेंट्रिक स्फीयर होंगे और दोनों की रेडियस अलग अलग होगी. इनर वाले की रेडियस ए होगी, स्मॉल ए, आउटर वाले की रेडियस स्मॉल बी होगी. जैसे अर्थ होती है, अर्थ सेंटर, जिसकी हमने अर्थ का सेंटर जिसकी रेडियस हमने स्मॉल ए ली गई है, उस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था आइसोलेटेड स्फीयर में. ऐसे अगर हम अपर पूरी अर्थ की बात करें, अगर सेंटर में चार्ज पॉजिटिव है तो जो आउटर चार्ज होगा सरफेस पे वो नेगेटिव होगा. ऑब्वियसली सेंटर का पॉजिटिव है तो वो आउटर वाला नेगेटिव चार्ज होगा. तो जो अंदर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस ए है, स्मॉल ए, और जो आउटर वाला रेडियस है उसकी रेडियस बी है. इनर की ए है, आउटर की बी है. उस पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे है, और नेगेटिव क्यू चार्ज जो कि सरफेस पे है. ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है आउटर पे, यानी अगर इनर पे पॉजिटिव है तो आउटर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. अगर हम इस पे गेज लॉ अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी गेज लॉ इसकी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर होगी. अगर E आर लें तो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इसमें क्या है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है. अगर दोनों में हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यानी कि इन दोनों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो VAB क्या होगा, VAB जो इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रल B से A तक जो कि E dr होगी. E की वैल्यू, E जो हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, E इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, E इज इक्वल टू दिस वन. E की वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr आ जाएगा. अब यहां से देखिए किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए बी से ए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये क्या, इसको हमने अगर इंटीग्रेशन ओपन की तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन अपॉन आर बी ए ऐसे आ जाएगा. अब इसको ओपन करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, यही रहेगा. अब देखिए कि अगर इसको एलसीएम किया तो ए बी या ए बी बी माइनस ए अपॉन ए भी रहेगा. अब इस इक्वेशन में जो कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस क्या होती है, Q अपॉन V, ए बी होगी, Q अपॉन V होती है, तो Q अपॉन V A B क्या है, ये है VAB को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, Q से Q कैंसिल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और AB भी ऊपर चला जाएगा, नीचे B माइनस A रह जाएगा, यही आएगा. ये जो हमारा होगा ये फैरेड में होगा. अब यहां से C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए फैरेड आ जाएगा. इसमें B जो है अगर वो इनफाइनाइट है, जो मैंने जो आउटर रेडियस ली है B, मान लीजिए वो इनफाइनाइट है, क्योंकि पर्टिकुलर तो है नहीं, इनफाइनाइट ली हुई है हमने, तो देखिए क्या होता है कि यहां से जो हमारे पास C आया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी होगा, जो कि फैरेड में होगा. ठीक है, अब C इज किसके इज इक्वल टू, B को इनफाइनाइट लिया है तो C किसके इज इक्वल टू रह गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल रह गया फैरेड में. अब देखिए ये तो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर सर्कुलर, जो कि टू कोसेंट्रिक जो हमारे स्फीयर है उसमें लिया गया है. लेकिन इसकी एक और कंडीशन है जिसमें हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं. इसको हमने क्या किया कि कैपिटल ए ए को हमने माना है कि ये एरिया है स्फीयर का, इस स्फीयर का एरिया है जिसे कैपिटल ए लिया गया है, और जो आउटर स्फीयर है इसका जो एरिया है उसे हम कैपिटल ए बी लिया गया है, जो एरिया ऑफ स्फीयर
जो रेडियस है, जो एरिया ऑफ स्फीयर है वो बी है, बी का ए बी, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो ए ए किसके इक्वल होगा, 4 पाई ए स्क्वायर के, ए बी किसके इक्वल होगा, 4 पाई बी स्क्वायर के। सेम इस इक्वेशन को, इनको इक्वेशंस को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रूट ऑफ ए ए अपॉन 4 पाई ए बी अपॉन 4 पाई, यानी कि सी के जो कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रूट ऑफ ए ए डॉट ए बी फैरेड होगी। इसको हम इस तरह से भी डाइट डाउन कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्म तो ये वाली है जो कम्प्लीटली हमने की, हर दूसरी फॉर्म ये वाली है। तो यही हमारी कैपेसिटेंस होती है टू कोसेंट्रिक स्फीयर की, टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर की। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।